दुनिया भर में मुल्क का नाम रोशन करने वाली पाकिस्तान की बेटी के नाम एक और आलमी एजाज। मलाला यूसुफजई 21वीं सदी की दूसरी दहाई में दुनिया की मकबूल तरीन नौ उम्र लड़की बन गई। इस जायजे में अक़वामे मुत्तहिदा की न्यूज़ सर्विस ने 21वीं सदी में नौ उम्री में होने वाले अहम वाकयात का जायजा लिया और 2010 से 2019 के दरमियान आलमी सतह पर मलाला यूसुफजई की मकबूलियत मस्बत कहानियों में सरे फहरिस्त रही। रिपोर्ट में कहा गया कि छोटी उम्र से पाकिस्तानी तालिबा मलाला यूसुफजई लड़कियों की तालीम के हक में आवाज उठाने और तालिबान के मजालिम की निशानदही के लिए जानी जाती हैं। इसमें निशानदही की गई है, मलाला वादी सवात में पैदा हुई और वहीं पली बढ़ी। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि अक्टूबर 2012 में मलाला यूसुफजई स्कूल से घर जा रही थी कि उन्हें और उनके साथ मौजूद लड़कियों पर तालिबान ने फायरिंग की, जिसके नतीजे में वो शदीद जख्मी हुई, तहम जिंदा बच गई। रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि मलाला की सरगर्मियों और प्रोफाइल में कातिलाना हमले के बाद इजाफा हुआ है। मलाला यूसुफजई ने कई हाई प्रोफाइल अवार्ड्स भी जीते, जिसमें 2014 में अमन का नोबेल इनाम लड़कियों की तालीम पर खुसूसी तवज्जो के साथ, 2017 में अक़वामे मुत्तहिदा की सफीर बराए अमन मुकर्रर होना शामिल है।